लोक प्रसार चैनल और लोक प्रसार न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। और हमारे पास फिलहाल सैनीवास धाम में खड़े हैं और पंचतत्व सेवा ट्रस्ट के प्रधान अनिल पुनिया जी हमारे बीच में खड़े हैं। नई व्यवस्था आज 5 अप्रैल से क्या क्या हो रही है, नई व्यवस्था के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनना, पूरी वीडियो को देखना, एक एक पॉइंट आपके काम आने वाला है और किसी को भी फोन करके पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले तो नमस्कार जी, राम राम, जय श्री राम। राम राम जी। जितने भाण भाई देखे हैं आपके यूट्यूब चैनल पर, सब ने मेरी मंदिर कमेटी की तरफ से हाथ जोड़कर सब ने एक ही रिक्वेस्ट है, वो चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हमने 5 तारीख से स्टार्ट कर दिया, जितने भी मोबाइल नंबर की एंट्री थी वो बंद कर दिए। अच्छा, नंबर पर फ़ोन इतने ज़्यादा आने लग गए तो नंबर बंद रहेगा। आपको आना है बिना एंट्री के, कोई एंट्री की ज़रूरी नहीं है। जितने ड्राइवर भाई आते हैं जो गाड़ियां लेके बुकिंग पे, उनसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, रास्ते के बीच में कहीं पे भी गाड़ी नहीं रोकें। आपको जहाँ पे पार्किंग मिलती है, चाहे वो कहीं पे भी मिले, पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाएं, आप मंदिर में आओ। रास्ते के बीच में गाड़ी लगने से जाम लग जाता है, उसी के कारण व्यवस्था ख़राब होती है। सुबह शाम का 2 टाइम है जाड़े के, क्योंकि धूप दिन में ज़्यादा धूप होती है तो पब्लिक रोकने की व्यवस्था थोड़ी कम है। सुबह शाम आओ, अगर शाम में आ जाओगे सुबह जाड़ा लग जाएगा आपको, वो लोग चले जाएं, उसके बाद फिर शाम में लगेगा जो दिन में आ गए हैं। तो 2 टाइम जाड़े लगते हैं। व्यवस्था बनाने में जो भी भाण भाई जो भी आते हैं वो मदद करें हमारी, जितनी हो सकती उतनी व्यवस्था कर रहे हैं धीरे धीरे करके। पानी की है, रास्ते की है, पूरे रास्ता क्लियर कर दिया गया है। गाड़ी वाले भाई ध्यान रखें कि कोई भी बीच में नहीं रोकें, अपनी पूरी सवारी बैठा के जहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी वहाँ से गाड़ी चलाएं। तो हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, बाकी ये लंबा साहब हैं ये आपको समझा देंगे। फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधे आओ। संडे को छोड़ के 7 दिन कभी भी आ सकते हो। संडे को छोड़ के 6 दिन आप लोग आ सकते हो। संडे को जो पर्सनली काम है धाम के गुरुजी के, वो लोग एक दिन चाहिए हमें। मैं मंदिर कमेटी की तरफ से अनिल पुनिया सबसे छोटा सबसे ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी भाई आते हैं यहाँ पे धाम में मदद करें व्यवस्था बनाने में। थोड़ी बहुत जो असुविधा है हमारी वो भी हम कोशिश करेंगे दूर करें। धूप ज़्यादा पड़ती है तो व्यवस्था थोड़ी सी लगे हुए हैं, पूरी मंदिर कमेटी लगी हुई इस चीज़ में। हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, जो भी भाई आते हैं बाहर से वो मदद करें। बाकी ये लंबा साहब हैं आपको सारी चीज़ें बता देंगे। धन्यवाद जी। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बता दूं मैं एक बार और सीधी सीधी सरल भाषा में भाई, हरियाणवी भाषा में सुन दो तुम सारे, 6 दिन सोमवार से शनिवार तक लगातार झाड़े लगेंगे। कोई फ़ोन नंबर पे एंट्री की ज़रूरत नहीं है, कोई लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। सुबह आए तो उनको शाम को, दिन में आते हैं जो लोग शाम को झाड़ा लग जाएगा, और जो शाम को वारी तक लेट तक आते हैं उनको सुबह झाड़ा लग जाएगा। सुबह और शाम सिर्फ 2 टाइम ही झाड़ा लगेगा। दिन के अंदर आके कोई इमरजेंसी वाला किसी भी तरह का परेशान न करे, यदि ज़्यादा इमरजेंसी हो तो वो अपनी मरीज को शाम को ही ले आए या अपने हॉस्पिटल में ले जाए। यहाँ आकर के स्पेशल में कोई भी ये न कहे कि दोपहर को झाड़ा लगा दो, क्योंकि इमरजेंसी एकदम से नहीं होती है किसी को भी। व्यवस्था को बनाए रखें, पानी के लिए वाटर कूलर लगा दिए गए हैं, पूरी चेजी जो चिनाई चारों तरफ का वो काम चल रहा है, और यो जो व्यवस्था है वो आप लोगों के लिए है और आप लोगों के लिए ही ये सब कुछ सारा किया जा रहा है। व्यवस्था बहुत बढ़िया बना दी, 6 दिन लगातार झाड़ा लगेगा। और गाड़ी वाले भाइयों से प्रार्थना है, जो भी गाड़ी लेके आते हैं रास्ते में कहीं भी रास्ते के बीच में गाड़ी न रोकें। पार्किंग चाहे आपको मेन बस स्टैंड से गांव तक कहीं भी धाम में कहीं भी पार्किंग मिलती है, पार्किंग में लगाएं, उसी पार्किंग से पूरी गाड़ी की सवारी करके पार्किंग से गाड़ी बाहर निकालें। सड़क के बीच में या रास्ते के बीच में कोई भी गाड़ी खड़ी करके सवारियां न भरे और न ही खाली करे। खास करके जो यहाँ पर डेली रूटीन से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, या गांव की हैं या धाम की हैं, वो भी ध्यान रखें कि भाई मैं धाम का हूँ तो मैं यहाँ खड़ी करके भर लूँ। नहीं, आप व्यवस्था बनाएंगे, आपकी व्यवस्था है, आपके गाँव की व्यवस्था है, आपके धाम की व्यवस्था है, सभी व्यवस्था में सहयोग दें। जो भी बाहर से यात्री आता है अपने आप को यहाँ धाम का मेंबर समझे, कमेटी का मेंबर समझे, सेवक समझे अपने आप को, और सहयोग करें हर चीज़ में, तो ही धाम चलते हैं भाई। और दूसरी बात, एक बात और बता देता हूं आपको मैं मुख्य रूप से, जो भी जनता आती है, जितने भी कष्टदारी दुखदारी आते हैं, चाहे कोई में कहे कोई कुछ भी कहता है, हर तरह के लोग होते हैं, अफवाहों पर ध्यान न दें। यदि आपको आराम नहीं होता है तो कहें कि भी आराम नहीं होता है, किसी भी यूट्यूबर से किसी भी से साफ कहें, अपना फ़ोन नंबर दें, जालसाजी न करें,
किसी भी तरह की, क्योंकि लोग यहाँ ठीक होने के लिए आते हैं। भाई कुछ ठीक नहीं भी होते होंगे, हर कोई ठीक नहीं भी होता होगा, ये हम भी मानते हैं, लेकिन धाम को दोबारा चला दिया गया, फसलें कट चुकी हैं, किसी का नुकसान न करें, धाम में किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था न फैलाएं, आपका धाम है आपके लिए। जनता इतनी ज़्यादा आती है इसलिए गाड़ियाँ अपने पार्किंग में ही लगाएं, पार्किंग जहाँ कहीं भी मिले आपको, सड़क के किनारे कहीं भी सड़क गाड़ी न रोकें, सड़क के बीच में न रोकें, रास्ते में न रोकें, सिर्फ पार्किंग में जहाँ लगाई है गाड़ी वहीं से सवारी बिठाएं, हम अपनी सवारियों को बोल दें कि यहीं आना है। इसलिए भाई ध्यान रहे, व्यवस्था आपके हाथों में है, पंचतत्व धाम ट्रस्ट आपकी सेवा में है, जैसे भी हैं। तो अनिल भाई और क्या कहना चाहेंगे आप? और जो भी भाई आते हैं वो भी कमेटी का हिस्सा ही हैं, जो ड्राइवर भाई आते हैं वो खुद से भी खुद समझदार हैं, उनको भी हम कमेटी का हिस्सा ही मानते हैं, जो यहाँ पे धाम पे हर रोज़ आते हैं वो लोग भी व्यवस्था बनाने में मदद करें। हमने धाम कुछ दिनों के लिए इसलिए बंद किया था, जो आसपास की फसल थी पब्लिक ज़्यादा आने लग गई, वो फसल कटने का वेट के लिए 5-6 दिन धाम बंद किया गया था, थोड़ी व्यवस्था बनाने के लिए। फसलें कट चुकी हैं, पूरे जो भी व्यवस्था थी वो क्लियर हो चुकी है, जगह पूरे ग्राउंड खाली करा दिया गया है, भगत जी के आसपास के जो भी किले हैं वो खाली करा दिए हैं, गाड़ियों के लिए फ्री पार्किंग है, कोई चार्ज नहीं पार्किंग का। बंद इसीलिए किया था कि जो आसपास की फसलें वो कट जाएं, पब्लिक ज़्यादा आने लग गई थी, वो दोबारा से हमने फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। नंबर की एंट्री की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट आएँ, संडे छोड़ के कभी भी आएँ, सुबह शाम दो टाइम झाड़े लगते हैं, धूप ज़्यादा है तो हो सके धूप में दोपहर में कम ही आएँ, जितनी हो सके इतनी कोशिश करें, सुबह शाम ज़्यादा आएँ, शाम में आ जाएँ, सुबह आराम से झाड़ा लगा के सुबह घर चले जाएँ, क्योंकि रात में धूप होती नहीं है। टाइमिंग वो सुबह शाम ही का ही है जी, सुबह शाम ही, शाम को ही ज़्यादा बेटर रहेगा आप शाम में आएंगे तो, क्योंकि दिन में धूप ज़्यादा होती है। धन्यवाद जी, मंदिर कमेटी की तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ के दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, व्यवस्था बनाने में मदद करें, धन्यवाद जी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सूचना हर जन जन तक पहुंच सके, जो सभी अपने जो लोग पूछते हैं फोनों पे पूछते हैं। और रास्ता और बता देता हूं भाई, दिल्ली की तरफ से आने वाले दिल्ली भिवानी और शिवानी से 15 किलोमीटर राजगढ़ रोड पे, इधर राजस्थान से आने वाले झुंझुनू चिड़ावा से, इधर से आने वाले राजगढ़ सादलपुर से झुप्पा से 5 किलोमीटर हिसार रोड पे, और भाई जहाँ भी आप जो देख रहे हैं कि इधर से हिसार की तरफ से चंडीगढ़ और पंजाब की तरफ से आने वाले हिसार आए, हिसार से 45 किलोमीटर है राजगढ़ रोड पे, पूरे रास्ते हर वीडियो में बता दिए जाते हैं और आप लोग फिर भी बार बार पूछते हैं। ऐसे भी 50 सवारी मिले उड़े इस सरवाल बस भेज देंगे, मैं भेज दूंगा। और भाई एक सूचना है, आइए अभी मेरे पास खड़े हैं इस सरवाल बस सर्विस के सदस्य हैं भाई, ये लोग हैं जहाँ से 50-55 सवारी जहाँ से होती हैं, बस भाड़े में बस भेज देंगे वहाँ पर। इस सरवाल बस सर्विस से हूँ जी मैं जी। फोन नंबर बताएं आप। फोन नंबर 98134-83916, 98130-38557 पर कॉल कर लेना जी, ये नंबर है इनका। फिर दोबारा बताऊं जी, 98134-83916, 98130-38557 पर कॉल कर लेना जी, कड़े भी 50 सवारी हो जाएंगी वहीं पर बस भेज देंगे सीधे धाम के लिए जी, बस भाड़े में बस भेजेंगे जी, किसके ऊपर किराया नहीं है वहाँ पर भी फ्री भेज देंगे, उस गाड़ी में कैंसर का और आंधे का किराया फ्री है। देखिए कितनी बड़ी बात कही है, बस के किराए में, जो रोडवेज का किराया उस किराए में बस आपके पास पहुंचेगी, और कैंसर वाले के लिए और अंधे आदमी के लिए उस बस में फ्री होगा, यात्रा फ्री होगी, उसका कोई किराया नहीं है, ले आ जाएगा। जोरदार तालियां एक बार इनके लिए, इस सरवाल बस सर्विस के लिए, बहुत बढ़िया। और ये भाई बसें चलती हैं, इस सरवाल बस सर्विस चलती है, कहाँ कहाँ से चलती है? इस सरवाल हिसार से धाम के लिए, बैल से धाम के लिए, भिवानी से धाम के लिए, भिवानी से रोडवेज भी चलती है, 11:30 बजे चलती है वे भी। आपकी टाइम क्या है भिवानी से? भिवानी से हमारा भिवानी से टाइम नहीं है, हिसार से है हमारा 9:05 पर, 3:40 पर, और 10:30 बजे और 4:45 पर हिसार से। हिसार से ये इतने टाइम है भाई इनके। और भट्टू से? भट्टू से तो ये काफ़ी गाड़ियाँ चलती है, भट्टू से भी सुबह 7:30 बजे भी चल रहा है, भट्टू से 9:00 बजे भी चल रहा है, भट्टू से 10:00 बजे भी चल रहा है। रविंद्र बस सर्विस चलती है जी, वे गाड़ियाँ भी बढ़िया सर्विस दे रही हैं वे गाड़ियाँ जी, नरसिंह मास्टर जी की गाड़ियाँ भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस सरवाल बस सर्विस का भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, रविंद्रा बस वाले हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कैंसर वाले का और अंधे का कोई किराया नहीं लेते हैं। आइए और बातें करवाता हूँ।
रविंद्र बस में भी कैंसर का और आंधे का किराया फ्री है उन गाड़ियों में भी। बहुत बढ़िया, धाम के लिए बहुत अच्छा। आइए और बातें करवा। फिलहाल हम बैठे पंचतत्व धाम श्रीनिवास में और हमारे पास बैठे भक्त सत्यनारायण जी के चाचा जी श्री हनुमान प्रसाद काजड़ा, और इनसे बातें करते हैं कि धाम की व्यवस्था क्या बनाई गई है। आज मंगलवार 5 तारीख है भाई, ये और बता देता हूँ, कभी सोचो पुरानी वीडियो है कोई। 5 तारीख है, भगत जी ने कुछ नई बातें बताई हैं कि भाई फ़ोन की व्यवस्था जो थी ना वो इतनी होगी कि फ़ोन भी हैंग होने लग गए और न इतनी व्यवस्था बन पाई, इसलिए जो नई व्यवस्था है वो भगत जी के चाचा जी हनुमान जी इनसे बातें करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। मेरे दर्शकों ने भी कर दो राम राम। राम राम जी। मैं भगत का चाचा बोल रहा हूँ जी। हाँ जी। दीतवार को छोड़ के सब बारों को आप आना, रोजाना झाड़े लगेंगे, कोई फोन फान की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा। हाँ। बिल्कुल फोन फान नहीं करें। नहीं करें फोन फान, रोजाना दीतवार को छोड़ के झाड़ लगेगा जी। संडे को छोड़ के? संडे को छोड़ के और सब बारों को झाड़ लगेगा जी, सुबह और शाम दो टाइम्स। भाई जिस तरह सुबह दिन में आवड़े हैं उनका शाम न लगेगा, और जो शाम को आते हैं रात को यहाँ रुकते हैं उनको सुबह लग जाएगा। ये व्यवस्था बनाई गई है, और ये व्यवस्था मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कोई तंग नहीं होगा। सुबह दिन में चलने वाले शाम को रुक जाते हैं यहाँ पर तो उनको सुबह लग जाएगा, और जो सुबह चल के आते हैं दिन में यहाँ रुकते हैं उनको शाम को लग जाएगा। तो दो टाइम झाड़ा लगेगा, 6 दिन हफ्ते में 6 दिन झाड़ा लगेगा, और ये व्यवस्था सबसे बढ़िया व्यवस्था है। कमेटी ने पूरा निर्णय लिया है, और भगत जी ने भी, सभी ने यह आदेश दे दिया भगत जी ने कि भाई ये यही बातें कहें सभी लोग, सिर्फ संडे को ना आए भाई, कोई भी संडे को कोई ना आए। संडे का दिन रिजर्व रखा है भगत जी ने अपने लिए, साधना के लिए या रिश्तेदारी में कहीं आने जाने के लिए, तो वो रिजर्व रखा है, उसमें कोई ना आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और व्यवस्था पानी पुणी की सारी होगी अड़े? हाँ सब व्यवस्था है जी। अच्छा, क्या वाटर कूलर ले रखे हैं? दो। दो? अच्छा। और जो रास्ते रुस्ते में कोई दिक्कत को? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं जी अभी। अच्छा, गाड़ी जाम जुम को लगे? नहीं नहीं, कोई जाम नहीं, सीधी धाम पर आओ गाड़ी, कोई जाम नहीं है। अच्छा। दाना फका था लोग ले गए घर ले पड़े। हाँ। अच्छा अच्छा, वो चढ़िए कि मैं देख तो लोग ले गए थे। अच्छा अच्छा, ले गए तो भगत जी ने 3 किले आपको वो गाड़ियाँ फेर दी उसके ऊपर गए। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो यही व्यवस्था है आपकी नई, और भाई सभी लोग अपने रिश्तेदारों को, प्यारों को, जो भी मिलने वाला है उनको सभी को सूचना दें, वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को पता चल जाए कि भाई व्यवस्था, नई व्यवस्था श्रीनिवास धाम की ये है। और यहाँ पर पंचतत्व धाम में आप सभी का हर रोज़ सुबह और शाम हार्दिक स्वागत है। व्यवस्था बनाए रखें, कोई भी किसी के खेत में न जाए, कोई भी धाम की चारदीवारी से बाहर न जाए, व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाएं, और जो एक दूसरे का सहयोग करें। यहाँ पर धाम पर हर व्यवस्था आपके लिए है, और आपके लिए ही सभी कुछ, सारी दुनिया, सारे लोग आपके, आप लोगों की सेवा के लिए हैं। तो आइए और लोक प्रसार हरियाणा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और आपकी हर सूचना हर समय पर आपको दे दी जाती है। और भाई यदि किसी भाई ने कि मैं थोड़ा बहुत खारा लगता हूँ, तो भाई थोड़े से माफ़ करो मैंने यार, मैं ऐसा गलत काम नहीं कर रहा, मैं भी जनता की सेवा कर रहा हूँ, और आप जो सेवा करने लाग रहे हो या भी अच्छी बात से, क्यों कहते पाऊँ है भाई, इस तरह भी सेवा करने वाले आदमी करनी भी चाहिए ऐसी सेवा भी, कि लोगों ने भाई थोड़ी घनी न्यू करनी चाहिए भाई, फंड फंड है या कह देने चाहिए थोड़ी घनी, क्यों पढ़े लिखे आदमी है, मन पढ़ा भाई थोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।